टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा आराम करने के मूड में नहीं। बांग्लादेश के विरुद्ध टेस्ट सीरीज की बात, भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्ट इंडीज से भिड़ना है और इस घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन गुरुवार को होने वाला है। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया के सिलेक्टर्स वनडे T20 टीम का चयन करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सिलेक्टर्स रोहित शर्मा को वनडे सीरीज के लिए आराम दे सकते हैं। हालांकि खबर की टीम इंडिया के उपकप्तान आराम करने के मूड में नहीं है, वो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भी खेलना चाहते हैं। टीम इंडिया के उपकप्तान आराम करने की मूड में नहीं है, रोहित शर्मा को नहीं चाहिए आराम। मुंबई मिरर में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध वनडे व T20 सीरीज दोनों में ही खेलना चाहते हैं। दरअसल रोहित शर्मा उस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है और अपनी लय बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन चयनकर्ताओं की दलील है कि आने वाले समय में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के बड़े दौरे पर जाना है, जिससे पहले रोहित शर्मा के लिए आराम महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा इस वर्ष जबरदस्त फॉर्म में है। रोहित शर्मा वर्ष के आरंभ से ही लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वो वर्ल्ड कप के बाद लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तो रोहित शर्मा को टेस्ट टीम में भी स्थायी ओपनर बन चुके हैं, इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि हिटमैन को आराम देना चाहिए। बता दें कि वर्ल्ड कप के बाद कैप्टन विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या समेत सभी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसा ही अब रोहित के साथ भी होना चाहिए। सिलेक्टर्स रोहित शर्मा को वनडे सीरीज में इसलिए आराम देना चाहते हैं क्योंकि उनसे T20 सीरीज के मुकाबले ज्यादा आराम मिलेगा। रोहित शर्मा की स्थायी मयंक अग्रवाल को मिल सकता है, मयंक अग्रवाल को मिलेगा मौका। अब अगर सिलेक्टर्स रोहित शर्मा को आराम देते हैं तो मयंक अग्रवाल को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध वनडे सीरीज में मौका मिल सकता है। मयंक ने टेस्ट फॉर्मेट में खुद को साबित करते हुए 8 टेस्ट में 71 के औसत से 858 रन ठोक दिए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक, दो दोहरे शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। मयंक का अंदाज आक्रामक है, इसलिए अब सिलेक्टर्स उन्हें वनडे फॉर्मेट में भी मौका देना चाहते हैं। अब सभी की नजरें 21 नवंबर को होने वाली सिलेक्टर्स की मीटिंग पर हैं। इसमें रोहित शर्मा को आराम व मयंक अग्रवाल को मौका देने पर निर्णय होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा को आराम मिलना चाहिए या नहीं? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।